लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कलंक है इस गांव के नाम पर कि आज ये दिन भी देखना पड़ रहा है। अरे गांव की बहू बेटियों की इज्जत से खेलने वाला एक अदना सा आदमी कैसे शान से सर उठा के खड़ा है, और हम, अरे हम जिसके एहसानों तले इस इलाके का एक एक आदमी दबा है, अरे इंसाफ के लिए पंचायत बुला रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं कि हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और ये भी नहीं कि हमारे पास ताकत नहीं है। अरे हम चाहे तो जोर जबरदस्ती और ताकत का ही बात करना था तो ये पंचायत काहे को बुलाए, आपस में ही फैसला कर लेते। शान, पंचायत की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, ये कोई अखाड़ा नहीं है। गोविंद, सेठ मक्खनलाल का कहना है कि उनसे लिया तमाम कर्ज सूद सहित कुल 25,000 रुपया है, इसके एवज तुमने अपने भतीजी कांता का ब्याह सेठ मक्खनलाल से तय किया था। तुम्हारी चुप्पी कहती है कि ये बात सच है, फिर तो सीधी सी बात है और सीधा सा इसका फैसला। गोविंद, तुम सेठ मक्खनलाल के पैसे वापस दे दो और फिर जहां चाहे कांता का ब्याह कर दो। मगर इतना पैसा हम कहां से लाए? तो तुम्हारा क्या मनसा है कि हम अपना दिया हुआ रकम भी माफ कर दें? हाँ सेठ जी, गलती तो सब हमारी वजह से हुई है, मगर अब आप नहीं। काका नहीं, इसके सामने मत गड़गड़ाना, पैसा हम वापस करेंगे। हाँ आप देखो, ही वापस करेगा पैसा। हाँ हाँ, पूरे 25,000 हम वापस करेंगे। कांता हमारी है, इसके घर परिवार का जिम्मा भी हमारा है। अरे पर क्या गारंटी है? एक मिनट हमें कहने दीजिए। पंचायत ने फैसला किया है कि पैसे पहले वापस करें। हम शादी कांता से तब करेंगे जब सेठ जी का एक एक पैसा सूद समेत वापस करेंगे। इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कौन देगा? वही जिसने तुम्हें हमें दिया है, तुम्हारे भोले बाबा। नहीं नहीं नहीं, हम कतई नहीं जाने देंगे तुमको। हाँ कैसे जा सकते भाई? देखो तुम जब भी यहाँ से जाते हो ना कुछ अनिष्ट हो ही जाता है। सचमुच बहुत गड़बड़ हो जाती है। मैं समझता हूँ, मगर जरा सोचो तो। मैं बस अब हम कुछ नहीं सोचना चाहते। ए पार्वती, तू अपनी दीदी को समझाना। हम कहाँ समझाए, हमारी अपनी ही अकल काम नहीं कर रही है। हाँ आज तो हमारा भी अकल काम नहीं कर रहा है। देखो अगर हम नहीं गए तो पैसों का इंतजाम नहीं होगा, और पैसों का इंतजाम नहीं होगा तो मक्खनलाल नहीं मानेगा, और फिर हमारी शादी कैसे होगी? तुम क्या समझते हो, हमारी समझ में इतना भी नहीं आता है क्या? फिर? हाँ, फिर? हमारा मन नहीं मानता। अरे कांता, मन के माने कहाँ होता है सब कुछ। बहुत कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, तुम तो सब जानती हो ना। अरे ए, चंद महीनों की तो बात है, विश्वास कर हम बहुत जल्दी लौट आएंगे। अरे जल्दी रे पार्वती। अरे राम जी रुकिए। हम तो सोचे कि बस लारी निकल ही गई। ऐसा कभी हो सकता है? तुमसे मिले बिना हम जा सकते हैं? सुनो ये साथ रख लेना, हमेशा हमारी याद आती रहेगी। और सुनो जल्दी लौट आना। हाँ इस पर हमारे बंबई का पता है, हमारी चिट्ठी का जवाब देकर इसे गिरा देना। क्या बात है भाई,
तुम इतने अकेला क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बीड़ी पियोगे? नहीं भाई। कहाँ जा रहे हो? बॉम्बे। बॉम्बे जा रहे हो तो जरूर कोई खास मकसद होगा। मकसद जिंदगी का है भाई, एक उधार चुकाने के लिए कुछ जुगाड़ करने जा रहा हूं। तो इसके लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? जुगाड़ तो यहां भी हो सकता है। कैसे? भाई हम तो जोखिम का काम करते हैं, कुछ देशभक्ति हो जाती है और कुछ स्वार्थ। हम समझे नहीं? हम सब समझा देंगे, चलोगे हमारे साथ? चलिए। रघु भैया वो देखो। अरे रुको 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 रुको, हट हट हट, चल निकाल चिट्ठी। अरे आई कैसी नहीं होगी भाई, आज जरूरी आई होगी, ला हम देखते हैं ला। अरे नहीं आई भैया। पर्वतिया देखते जा, अरे आई होगी भाई। नहीं आई। अरे नहीं आई तो हमारी गली में काहे परेड करें, चलिए निकलिए मार्च। आएंगे, जरूर आएंगे। आएंगे कैसे नहीं, आज पूरन मासी है, नहीं आए तो कोर्ट मार्शल नहीं कर देंगे। बहन ये पता बताइए ना। मालूम नहीं साहब जी, साहब जी। मगर सुनिए यार, प्लीज हेल्प अ ब्लाइंड मैन सर, प्लीज हेल्प अ ब्लाइंड मैन सर। ए बाबूजी, आप बता सकते हैं ये मोहल्ला कहाँ है? देख नहीं सकती, अपन ब्लाइंड है, अंधा। ओह, तो आप सूरदास हैं? हाँ। हम तो एकदम धोखा खा गए थे। अच्छा चलते हैं। जाती किधर है? अपन ही तो है वो। कौन? वही तुम्हारा राम गुलाम। अरे तो आप पढ़ सकते हैं, इसका मतलब देख भी सकते हैं? शर्म नहीं आती, दुनिया को धोखा देते हो? धोखा नहीं डार्लिंग, बिजनेस। पार्टनर बनोगी? चल हट, 420 कहीं का। लूज करेक्टर। नहीं जी कुछ नहीं, बस। तो फिर इधर काहे को आई? चल जाए इधर से, इधर काहे को खड़ी है? हैं? ए, रोती है काहे को? अरे रोना ही था तो मुंबई काहे को आई? चले आते हैं सब कहां कहां से। राम जी मेरे राम जी। क्या मकसद था तुम्हारा?
बोलो क्या मकसद था तुम्हारा? क्या चाहते हो बता, काहे नहीं देते साफ साफ? चुप बैठे यहां उल्टा सीधा रचते रहते हो। जब चाह हंसा दिया, जब चाह रुला दिया, मगर देख लेना, हमरे राम जी को कुछ हो गया ना तो बस। मगर इतना तो पक्का है कि ये इंडियन बॉर्डर इंटेलिजेंस के अफसरों से मिला था। जी जनाब, ये खबर तो पक्की है। ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारी इंटेलिजेंस के पास भी इसकी कोई खबर नहीं। शायद पहली बार ही आया है, मगर यह पता लगाना पड़ेगा कि इसका मिशन क्या था। जनाब, हमें तो नहीं लगता कि ये टूटेगा। न जाने किस मिट्टी के बने होते हैं साले ये वतन परस्त हिंदुस्तानी। आओ बैठो ना, आओ बैठो, बैठो ना। सिगरेट पियोगे? जाहिर है तुम हमसे बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है, मगर मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। वो वतन जिसके लिए तुम अपनी जान देने को उतावले हो रहे हो, वो जमीन तुम्हें दो वक्त की रोटी नहीं दे सकती। बस तुम सिर्फ हमारे लिए काम करो। हमें पता है तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, वरना तुम अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। हम तुम्हें सब कुछ देंगे जिसके लिए तुम तरसते हो, सब कुछ। बस तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। से जाने क्यों दिया? हम क्या करते बेटा, हमारी तो तकदीर ही खराब है। एक तो तुम्हारी कोई खबर नहीं, दूसरे मखलाल का कूप। हम बहुत लाचार हो गए थे राम गुलाम। गंगा मैया, बस आज पार लगा दे। हे गंगा मैया, अरे हाथ हाथ बाजू हाथ बाजू हाथ, संभाल के संभाल के, अरे हाथ बाजू हाथ बाजू। ये लो, खुद तो देखता नहीं, बाजू हट के। अरे रे, किधर से आई रे तू? अल्लीबाग से या जूनी तले या से?
नहीं नहीं, जिला रामपुर से। तभी तो चले आते कहां कहां से। ए मुन्ना, ए तेरे को मेरा नाम कैसे मालूम रे? वो कहा है कि तू एकदम मुन्ना जैसा तो दिखता है। अच्छा अच्छा, बोले भी काम क्या है? तू हमारी मदद करेगा का? क्या है? हमको ये पते पर पहुंचना है। राम गुलाम भोईपड़ा बम्बई। हाँ। किसका बताइए? उनका। राम गुलाम तेरा घर वाला है? नहीं नहीं, होने वाला है। तो तू उसकी तलाश में आई है? हाँ। अकेली? हाँ। समझ गया। क्या समझ गया रे? यही कि अब तेरा वही असर होने वाला है जो फिल्म सड़क में पूजा भट्ट का हुआ था। क्या हुआ था उसका? फिल्म नहीं देखती क्या? नहीं, बस एक ही फिल्म देखी है, जय संतोषी माँ। तो अब तेरी मदद जय संतोषी माँ ही करेगी, वरना सीधा कोठे पे पहुंच जाएगी। ए, का बोलता रे? हाँ? बित्ते बराबर छोकरा गजबर की जबान। ज्यादा डायलॉग नहीं मानेगा क्या आप उनके साथ? पीछे को टेंशन है, टिकट कटा और सीधा रामपुर चली जा, वरना मारी जाएगी और रसीद भी नहीं मिलेगी। ए, चल चल, मरे हमारे दुश्मन। तो तू अपने दुश्मनों को मरता दे, अपन तो चलता है क्या? हाँ। ए, ए, सुन नहीं। कौन सा जेल है रे पीटर? बेलगाम जेल है गुरु। बेलगाम जेल? एंडी, यहाँ का जेलर भी नहीं आ रहे अपन को। लगता है गुरु स्वागत भाषण याद कर रहा है जेलर। जब 15 साल की उम्र में पहली चोरी, 3 साल बच्चों की जेल, बीजी चोरी, 2 साल अहमदनगर जेल, ठगी करके भागा पकड़ा गया 1.5 साल की सजा, 6 महीने में जेल तोड़ के भागा पकड़ा गया 7 साल की सजा, फिर फरार हुआ पकड़ा गया तो 10 साल की कैद कड़क। अरे बाप रे बाप, यहाँ से भी भागा और अब यहाँ लाया गया है। सरस, बहुत सरस। भाई किशन लाल, लगता है तुम दौड़ते हुए ही पैदा हुए थे। अपन नए साहब, अपन की माँ दौड़ रही थी जब अपन पैदा हुआ। माँ दौड़ रही थी? पांच वाले की मुर्गी चुरा के दौड़ रही थी। मुर्गी चोरी करके? हाँ, मुर्गी चोरी करके। उसकी नानी ने बोला था कि मुर्गी का सूप पिएगा तो बॉय बहुत सॉलिड निकलेगा। सरस, बहुत सरस। किशन लाल, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बोला विजय साहब, जेल तोड़ना एक आर्ट है और उस आर्ट का मैं किंग हूं। इस बात पे फूल आपके लिए साहब। लैला साहब, दुनिया भर के जेलर को अपने फूल दिया क्या? नासिक के जेलर को भी दिया था और उसके बाद वो सूंगा और 20 सेकंड के बाद बेहोश हो गया और अपन कल थे। किशन लाल, आज तक ये वाक कोई दवा नहीं बना जो अपने को बेहोश कर सके। हां, और इस जेल से भागने का सोच निकाल दे दिमाग से। सुकम, हां काय को इतना माटे कि आपन का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, आज तक अपना जेल तोड़कर कोई भाग नहीं सका। अरे फिक्र मत करो, तुम्हें फिक्र जरा पर ना करो, अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, आपका भी तोड़ देंगे साहब। देखते हैं कौन किसका रिकॉर्ड तोड़ता है। हा? तारो के मारो। ए भाई, ले जाने बार नंबर में गाली दे। ए किशन, भाई सड़ने का प्रोग्राम है क्या? आप बड़ो अबे तक सड़ रहा है, देख बोलता बहुत उछलता था साला, एकदम फड़फड़ रहा था। थोड़े दिन के लिए आ जाओ क्या बड़ो? अबे वड़ा पाव खा खा के सूख गया एकदम यार, यही सड़ने का प्रोग्राम है क्या यार? क्या करूं यार, पिछले जेल से भागने की पूरी तैयारी कर चुका था। हाँ। सीधा यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अबे भोशाना बन गए, ले लो भोशाना बन गए क्या? किसी की मेहनत की कदर नहीं करते, साफ खबरी घुसे ले अंदर, संभाल के बस। चावा किशन, तू आ गया, मैं अपनी पूरी तैयारी कर चुका हूँ, आज ही रात को निकल जाएंगे। मैंने संडास की सलाख काट दी है, संडास के पीछे पेड़ है, पेड़ से छत पर और वहां से नीचे, यानी आजादी। अबे बाप धर्मशाला है क्या? आया खाया पिया किसका भाई, ये लोग बहुत कड़क हो गए। तू कुछ भी बोल बेड़ो, इस बार मेरा प्लान पक्का है। शाम को जब कैदी बैरक में जा रहे होंगे
तो सबका ध्यान उनकी तरफ होगा और अपन चुपके से निकल जाएगा सीधा उनके हाथ में। रहने दे क्या रहने दे। अबे तेरा प्रोग्राम एकदम ठूस है भाई। तू कितने बार जेल तोड़ने का प्रोग्राम किया भाई? 17 बार। और कितनी बार पकड़ा गया? 17 बार। भाई मेरे को जरा भी टेंशन देना नहीं क्या? मैं अब एकदम लंबा प्रोग्राम बना के आया पीटर। अरे यार एक बोतल जामुन और पापलेट। स्वामी बराबर। अब तुम चला इतना कचरा करेगा तो आना ही पड़ेगा ना मेरे को। स्वामी हमने कुछ नहीं किया। स्वामी कुछ नहीं किया? मेरा किशन के पीछे कुत्रा का माफिक पुलिस को भगाया और अभी तक बिल्ली बन के खड़ा है। तो उसको फोकट में जेल में डाला तू साला गद्दार साला कुत्रा हलकट। स्वामी हमें माफ कर दो स्वामी। अरे तेरे को तो मैं दुनिया से माफ करने के लिए आया हूँ। ए तांबे कलाश कर कुत्रे को। नहीं नहीं स्वामी। ये कौन होना रे? इसका घरवाली है। यह चुप रहे हलकट। ये तो मेरा गीता होना रे। गीता गीता भगवान के लिए छोड़ दीजिए। लो बोलो। अरे ऐसा चीज मैं भगवान के लिए छोड़ दूं? देख रहे हैं मेरा भेजा ठंडा कर दे। एक बार मेरा गीता बन जा रहे छोड़ दूंगा। सब कुछ छोड़ दूंगा। आजा आजा, आजा। नहीं स्वामी नहीं। स्वामी छोड़ दो उसको। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसको। तांबे स्वामी छोड़ दो उसको। बहुत बेसुरा जा रहा है सुरमेला साले को ठंडा कर। गीता गीता गीता।